हाँ बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका सिंबल है डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या चीज़ होती है? जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई आइसोलेटेड अकेला गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है तो इसका डेल्टा एच यानी क्या होगा? नेगेटिव। सो जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट रिमेंबर, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है अब उसको एक और इलेक्ट्रॉन अगर देना है, टू नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस केस में, पहले केस में एनर्जी बाहर निकली थी, इस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज सेकंड गेन, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करे एनर्जी बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन एक एटम इलेक्ट्रॉन ले चुका है उसको एक और देना है तो एनर्जी हमें बाहर से अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी पहला इलेक्ट्रॉन दो तो वो एनर्जी देगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन दे तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें अपनी तरफ से क्यों देनी पड़ती है, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव है लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। यानी किसी को पहला इलेक्ट्रॉन दें तो एनर्जी बाहर निकलती है, किसी को दूसरा इलेक्ट्रॉन दें तो हमें एनर्जी अपनी तरफ से क्यों देनी पड़ती है? उसका कारण है जब हमने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। आप अपने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है तो अपने नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन देना है, अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव नेगेटिव करेंगे रिपेल। जब किसी को दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ले चुका है यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब उसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो यानी नेगेटिव को नेगेटिव दे रहे हो, जब नेगेटिव को नेगेटिव दोगे रिपेल करेंगे। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी तरफ से बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? सो इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। सो कई बार क्वेश्चन आता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एक इलेक्ट्रॉन वो पहले ही ले चुका है, अब उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है। जब किसी ने एक ले लिया नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको एक और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज और दे रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव करेंगे रिपेल। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी तरफ से और एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? याद रखो, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कहूं एनर्जी बाहर निकल रही है तो हम सिंबल डालते नेगेटिव, अगर हमें अपनी तरफ से देनी पड़े तो सिंबल डालते पॉजिटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव का मैथमेटिकल कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है नेगेटिव इज एनर्जी बाहर निकल रही है, पॉजिटिव इज हम एनर्जी अपनी तरफ से दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कौन सी चीज पर डिपेंड करेगी? पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। ध्यान से बेटा, एटॉमिक साइज, जितना एटम का साइज छोटा होगा तो नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, न्यूक्लियस उसको ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है? दोबारा सुनिए, जितना एटम का साइज छोटा होगा नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस उसको ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि बाहर निकलना मींस नेगेटिव। सो जितना एटम छोटा है नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इस करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। नंबर टू, न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से, जितना न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। सो जितना एटम छोटा है इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नजदीक आएगा उसको ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियस नए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। तीसरा फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जैसे P3 D5 या फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो S2 D10 या नोबल गैस हो P6, अगर किसी की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है,
ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ही नहीं। अगर आपने इनको इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि ये नहीं चाहते, तो इनको देना जबरदस्ती देना पड़ेगा, यानी हम एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। सो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आमतौर पर पॉजिटिव होती है। जब साइज की बात करें, जितना एटम छोटा है, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी नेगेटिव। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा नेगेटिव। लेकिन अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए एनर्जी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। अब मेरा अगला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी डाउन ए ग्रुप। सोचो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का क्या होगा? अब आपको मालूम है ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, मान लो पहले साइज इतना है, फिर साइज इतना हो गया, फिर साइज इतना हो गया, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आएगा, इनकमिंग जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कम नेगेटिव। दोबारा देखें, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा नहीं खींच पाएगा, कम खींचेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कम नेगेटिव। हम कम नेगेटिव कम, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कम नेगेटिव होगी। ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आ रहा है, न्यूक्लियस उसको कम खींचेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कम नेगेटिव होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनो, एक्सेप्शन क्या है? जब भी वैलेंस शेल आधे से ज्यादा भरा हो, आधे से ज्यादा भरा, जैसे नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p5, वैलेंस शेल आधे से ज्यादा भरा, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आधे से ज्यादा भरा। ऑक्सीजन 8 2 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, वैलेंस शेल आधे से ज्यादा भरा। अगर आपके पुराने सिस्टम के साथ करिए, ठीक है, ऐसे फ्लोरीन 9 2 7, वैलेंस शेल आधे से ज्यादा भरा, 2 7। वैसे तो जो छोटा होता है वहां नया इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जो छोटा होता है उसमें नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। पर जब भी आधे से ज्यादा भरा हो, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन आधे से ज्यादा भरा, तो नाइट्रोजन में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा बेशक न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है, पर क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, छोटे से दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यहां 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपल्शन के कारण न्यूक्लियस ज्यादा नहीं खींच पाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अचानक कम नेगेटिव हो जाएगी। ऐसी ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, छोटे से शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर नया इलेक्ट्रॉन आएगा ये उसको भी रिपेल करेंगे, इसलिए न्यूक्लियस जोर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसमें भी कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कम नेगेटिव है। ऐसे फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 7 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से दूसरे शेल में है, 7 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नया इलेक्ट्रॉन आएगा ये उसको भी रिपेल करेंगे, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धक्का मारे, न्यूक्लियस ने तो बाद में अट्रैक्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर करूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, तो नाइट्रोजन है 2 और 5, फास्फोरस है 2 8 5, वैसे तो मैं ये कहते हैं कि जो छोटा है उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, जो छोटा है नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या होता है कि छोटा तो है लेकिन छोटे से दूसरे खाने में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन के कारण न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। सो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी पर कम नेगेटिव हो गई। अगर ये समझ नहीं आया तो ऑक्सीजन और सल्फर देखो, ऑक्सीजन है 2 6, सल्फर है 2 8 6, ऑक्सीजन है न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर है न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और लास्ट में 6।
सो ऑक्सीजन छोटी है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, पर इसकी कम नेगेटिव है। क्यों कम नेगेटिव है? क्योंकि ऑक्सीजन में जो नया इलेक्ट्रॉन है इसमें आ रहा है तो छोटा, लेकिन छोटे से दूसरे शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, छह एक दूसरे को कर रहे थे रिपेल। जब नया इलेक्ट्रॉन आया नए को रिपेल किया, अब इन्होंने क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं, न्यूक्लियस बेशक जोर से खींचना चाह रहा है पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी ऑक्सीजन में सल्फर के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए लेकिन कम एनर्जी बाहर निकल रही है। ऐसे ही फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन 27287, फ्लोरीन छोटा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए लेकिन फ्लोरीन में कम बाहर निकल रही है। फ्लोरीन में कम क्यों बाहर निकल रही है? क्योंकि कारण वही, फ्लोरीन में छोटे से दूसरे खाने में सात इलेक्ट्रॉन है। अब सात इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मारे धक्का, जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा नए को धक्का मारेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं तो न्यूक्लियस जो अंदर है उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी मैं कहना चाहता हूं, मेरे ध्यान से बात सुने फिर मैं कंक्लूड करूंगा, जो 2s2 2p5 है और एक है 3s2 3p5, 2s2 2p5 छोटा शेल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए लेकिन इसमें कम एनर्जी बाहर निकलती इसके मुकाबले में। यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है फास्फोरस में। ऐसे ऑक्सीजन 2s2 2p3 या नाइट्रोजन फास्फोरस है 3s2 3p3, ऐसे ऑक्सीजन 2s2 2p4, सल्फर है 3s2 3p4। वैसे तो रूल ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी लेकिन फिर भी ऑक्सीजन में कम बाहर निकलती है क्योंकि छोटे से दूसरे शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, ये छह एक दूसरे को मारेंगे धक्का, धक्का मारेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने नए इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मारेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने नए इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा न्यूक्लियस इसको प्रॉपर नहीं खींच पाएगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। ऐसे ही फ्लोरीन और क्लोरीन में 27 एंड 287, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए लेकिन इसमें कम बाहर निकल रही है। क्यों कम बाहर निकली है? क्योंकि छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जो नया इलेक्ट्रॉन आया ये 7 एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, जो नया इलेक्ट्रॉन आया उसको भी धक्का पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन धक्का मारा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए 2p3 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है 3p3 से, 2p4 की कम नेगेटिव है 3p4 से, और 2p5 की कम नेगेटिव 3p5 से। ये एक्सेप्शंस हैं। मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुने, मान लो आपकी एक मासी है आपको बहुत प्यार करती है, आपके मासी आपको बहुत प्यार करती, अब आपके मम्मा बोलते बेटा गर्मी की छुट्टियां होगी, मासी के घर घूमा, वो तेरे को बहुत प्यार करती है, जो बहुत प्यार करती है अट्रैक्शन बहुत होगी। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत होगी, खिलाएगी पिलाएगी भी अच्छा, जाते टाइम शगुन भी अच्छा डालेगी। अब मासी आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन उस मासी के 7 बच्चे हैं, उस मासी के 7 बच्चे हैं और एक दूसरे से रोज लड़ते हैं। अब मासी के 7 बच्चे हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, एक दूसरे को जूत तांग हो रहे हैं। जब आप गए उस घर में घुसे, उसमें छोटे से कमरे में 7 बच्चे रह रहे थे, एक दूसरे को जूते मार रहे थे, जैसे आप घुसे आप पे पड़नी शुरू हो गई, उन्होंने आपको भी ठोक दिया। अब मासी यानी न्यूक्लियस वो तो आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत प्यार कर रही है लेकिन उसके बच्चों ने सेवा कर दी, मासी ने बाद में बहुत प्यार किया, बट नेचुरल है मासी की अट्रैक्शन कम हो गई क्योंकि अगली बार मम्मा बोले बेटा मासी के घर जाना, मासी बहुत प्यार करती है, आप बोलोगे मासी तो प्यार करती है पर उसके साथ साथ बच्चे जो सेवा करते हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए बेशक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत थी पर इलेक्ट्रॉन ने इतने धक्के मार दिए कि ओवरऑल अट्रैक्शन कम होगी। आप बोलते मैं नहीं जाता मासी के घर, कुट कौन खाएगा? सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये 3 एक्सेप्शन है। छोटे होने के बावजूद इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, छोटे होने के बावजूद इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है जबकि छोटे वाले की ज्यादा नेगेटिव होती है। इनकी कम नेगेटिव क्यों है? क्योंकि छोटे से दूसरे खाने में 5 इलेक्ट्रॉन या छोटे से दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन या छोटे से दूसरे खाने में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब छोटी जगह में इतने इलेक्ट्रॉन है, ये धक्का मार रहे हैं, नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी धक्का पड़ेगा, अब धक्का पड़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम अट्रैक्शन कम एनर्जी बाहर निकलेगी। सो याद रखना 2p3 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है 3p3 से, यानी नाइट्रोजन की कम नेगेटिव है फास्फोरस से,
2p4 की कम नेगेटिव है 3p4 से, यानी ऑक्सीजन की कम नेगेटिव है सल्फर से, और 2p5 की कम नेगेटिव है 3p5 से, यानी फ्लोरीन की कम नेगेटिव है क्लोरीन से। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, होनी फ्लोरीन की चाहिए थी लेकिन धक्के पड़ने शुरू गए, इस करके दुनिया में सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। दिस इज डाउन ए ग्रुप। वैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आएगा, अट्रैक्शन कम होगी, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी, नीचे वाले की कम नेगेटिव, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस में नीचे वाले की ज्यादा नेगेटिव, ऑक्सीजन सल्फर में नीचे वाले की ज्यादा नेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन में नीचे वाले की ज्यादा नेगेटिव। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है जी। अब आओ वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। एक पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो एक पीरियड में जाओगे लेफ्ट से राइट साइज कम होगा, साइज कम हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। दोबारा सुनो, लेफ्ट से राइट देखें, लेफ्ट से राइट साइज कम होगा, साइज कम हो गया नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, यानी इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। पर अगर रास्ते में कोई हाफ फील्ड या फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अगर रास्ते में कोई हाफ फील्ड या फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, उसको आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जैसे लिथियम है 1s2 2s1, लेकिन बेरिलियम है 1s2 2s2, पता लग गया 2s2 इज फिल्ड, क्योंकि बेरिलियम फिल्ड है, यह इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना तो एनर्जी आपको बाहर से देनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। अब बोरोन 1s2 2s2 2p1 कोई पंगा नहीं, 1s2 2s2 2p2 कोई पंगा नहीं, 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है, यह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, अब हम इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती दे रहे हैं, एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव या बहुत कम नेगेटिव। ऐसे ही ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 यस, 1s2 2s2 2p5 एंड 1s2 2s2 2p6 ये नोबल गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहती, इसको जबरदस्ती देना पड़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत पॉजिटिव। अगर मैं कहूं इनमें सबसे नेगेटिव कौन हो गया? फ्लोरीन। इस खानदान में सबसे नेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। सो सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी होनी चाहिए थी, पर ये नोबल गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसको तो जबरदस्ती दे रहे हैं, इसकी पॉजिटिव हो गई। सबसे ज्यादा नेगेटिव इस पीरियड में किसकी है? फ्लोरीन की। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है? क्लोरीन की। दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। राइट, सो आगे क्वेश्चन शुरू हो गया। सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। अच्छा, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में किसकी होती है? हैलोजन्स की। क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, व्हाई हैलोजन्स हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई हैलोजन्स हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि देखो ना हैलोजन्स है, जैसे फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। आप बोलो जी, एक तो हैलोजन सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, एक तो हैलोजन सबसे छोटे होते हैं, दूसरा इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो हैलोजन सबसे छोटे हैं, दूसरा वेलेशन में 7 इलेक्ट्रॉन, इनको एक चाहिए, एक चाहिए, झट से खींचेंगे, छोटे भी है चाहिए भी एक, पूरे जोर से खींचेंगे, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इसके इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। दोबारा समझो, एक तो हैलोजन सबसे छोटे होते हैं पीरियड में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, हैलोजन सबसे छोटे हैं, बच्चा कहता है नोबल गैस भी है, आपको मालूम है नोबल गैस का साइज अचानक बढ़ जाता है, एक तो हैलोजन सबसे छोटे हैं, दूसरा उनके वेलेशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोटे भी हैं चाहिए भी एक इलेक्ट्रॉन, पूरे जोर से खींचेंगे, बहुत एनर्जी बाहर निकलेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। अगला क्वेश्चन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैस होता है NH2NP6, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? पहली बात, ये कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, इनको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव। दूसरा कारण है, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो नया शेल भी जनरेट करना पड़ेगा, अगर नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो नया शेल जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। ठीक है जी। सो आज मेरे हिट क्वेश्चन कौन से हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्लोरीन की क्यों?
इसकी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर इसकी क्यों हो गई? क्योंकि फ्लोरीन है 27, ये है 287, इसमें छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब नया इलेक्ट्रॉन दिया सो छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो धक्का मार रहे थे, नया इलेक्ट्रॉन आया उसको भी धक्का पड़ा, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो गई तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा खींच नहीं पाया, क्योंकि न्यूक्लियस कम खींच पाया, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो गई, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव हो गई। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन छोटा है, यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, पर ज्यादा नेगेटिव इसकी क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन है 26, ये 286, इसके छोटे से दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन थे, छोटे से दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सो जो नया इलेक्ट्रॉन आया तो 6 खुद को भी रिपेल करते, उसको भी रिपेल किया, सो जो नया इलेक्ट्रॉन आया उसको इलेक्ट्रॉन ने रिपेल किया, इसलिए न्यूक्लियस ज्यादा खींच नहीं पाया, इसलिए इसमें कम एनर्जी बाहर निकली, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव, इसकी ज्यादा एक्टिव। इस तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आना चाहिए, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकली चाहिए, लेकिन इसमें कम बाहर निकल रही, कारण नाइट्रोजन है 25, यह है 285, कारण इसमें कम एनर्जी को बाहर निकली, क्योंकि छोटे से दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे जो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, नया इलेक्ट्रॉन आया उसको भी धक्का पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने धक्का मार दिया, न्यूक्लियस ज्यादा नहीं खींच पाया, इसलिए अट्रैक्शन कम हुई, कम एनर्जी बाहर निकली, सो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 2p3 इज लेस नेगेटिव देन 3p3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 2p4 इज लेस नेगेटिव देन 3p4, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 2p5 इज लेस नेगेटिव देन 3p5। ये याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की है, याद रखना, 3p5 से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की नहीं है। एक और क्वेश्चन, व्हाई हैलोजन्स हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पीरियड में सबसे राइट में है, सबसे राइट में तो नोबल गैस है, पर पीरियड में सबसे छोटे हैं, क्योंकि नोबल गैस अचानक बड़ी हो जाती है, सो हैलोजन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? क्योंकि नंबर वन ये सबसे छोटे हैं, नंबर टू इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ये सबसे छोटे हैं और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरे जोर से खींचते हैं, बहुत एनर्जी बाहर निकलेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव होगी, और इनमें सबसे नेगेटिव कौन है? क्लोरीन, इनमें सबसे नेगेटिव कौन है? क्लोरीन। यस, अगला क्वेश्चन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि नंबर वन नोबल गैस है, NS2NP6 कंप्लीटली फिल्ड, ये इलेक्ट्रॉन चाहते ही नहीं, अगर देना आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। दूसरा कारण, अगर नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दिया तो एक नया शेल भी जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए भी एनर्जी पास से देनी पड़ेगी, सो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जबरदस्त पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये 2-3 हिट क्वेश्चन थे, अब कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज देखो बेटा, ब्रह्मस्त्र क्या? बिगर शेल बिगर साइज, जितना शेल बड़ा उतना साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जाएगा, न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। बिगर शेल बिगर साइज, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव। ठीक है, फॉर सेम सेल मोर फील्ड, फॉर सेम सेल मोर फील्ड स्मॉलर, जो ज्यादा बड़ा छोटा है, छोटा है नए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। पर पंगा क्या है? सिर्फ और नाइट्रोजन और फास्फोरस में, नाइट्रोजन छोटा है फिर भी ज्यादा नेगेटिव, फिर भी कम नेगेटिव। ऐसे ऑक्सीजन सल्फर में, ऑक्सीजन छोटा है फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव, सल्फर की ज्यादा नेगेटिव। फ्लोरीन छोटा है फिर भी फ्लोरीन की कम नेगेटिव, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव। और एक्सेप्शन क्या? हाफ फील्ड या फील्ड, अगर रास्ते में कोई हाफ फील्ड या फील्ड आ गया, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सो मैं पहले ऐसे क्वेश्चन कर लूं, न्यूमेरिकल बाद में करता हूं। सो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, सॉरी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है? 3 कंफिगरेशन में, नंबर 1 3s2 3p3, नंबर 2 3s2 3p4, नंबर 3 3s2 3p5। किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है? 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5। मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ, फॉर सेम शेल मोर फील्ड स्मॉलर, मोर फील्ड स्मॉलर, ये छोटा है, छोटा है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा,
ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। वैसे भी इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है 3P5 इज क्लोरीन, अगर ये नज़र है सोचना ही नहीं, इसकी ज़्यादा नेगेटिव, इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन बताना आपने, कौन ज़्यादा नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, लिखो जरा नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, बात ही खत्म हो गई। ये 2p3 तो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड तो इलेक्ट्रॉन चाहता ही नहीं, उसको जबरदस्ती देना पड़ना है, इसलिए इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई। उसने पूछा नेगेटिव किसकी, ऑब्वियसली इसकी होगी क्योंकि नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव होगी, इसकी ज्यादा नेगेटिव होगी। अगला क्वेश्चन, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन है 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। मेरा ब्रह्मस्त्र बिगर शेल, बिगर शेल बिगर साइज, बड़ा शेल है साइज बड़ा है, सो नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर आएगा, न्यूक्लियस से दूर आएगा, न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, इसकी कम नेगेटिव, इसकी ज्यादा नेगेटिव, छोटे वाले की ज्यादा नेगेटिव होती है हमेशा। सिर्फ तीन पंगे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, बाकी हर जगह छोटे की ज्यादा नेगेटिव होती है, छोटे वाले की ज्यादा नेगेटिव होती है। सो कार्बन की ज्यादा नेगेटिव क्यों, क्योंकि कार्बन छोटा है, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बच्चा कहता है यहां रिपल्शन क्यों नहीं, क्योंकि यहां आधा खाली है, जबकि नाइट्रोजन में आधे से ज्यादा भरा हुआ था, यहां आधा खाली है, इसलिए रिपल्शन कम है। सो कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज्यादा नेगेटिव, छोटा होगा, छोटा है, नया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव। सो कार्बन की ज्यादा नेगेटिव, पंगा सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस में पड़ता है, ऑक्सीजन सल्फर में या फ्लोरीन क्लोरीन में, बाकी कोई पंगा नहीं, बाकी जहां छोटा होगा वो ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपने बताना है, इनमें किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जरा ध्यान से सुना, किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन फ्लोरीन, सोचना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की, दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की, सोचना ही नहीं। आगे क्वेश्चन सुनो, कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, इसके बारे में बोलो, क्या बोले ऑर्डर ही गलत है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहता है क्लोरीन से ज्यादा है, जबकि आपको मालूम है फ्लोरीन जो होता है छोटा है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की अचानक क्लोरीन से कम नेगेटिव हो जाती है, याद है। सो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बोलो ये ऑर्डर ही गलत है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं है, फ्लोरीन कि क्लोरीन से कम नेगेटिव है, क्योंकि छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, जब नया इलेक्ट्रॉन आया उस बेचारे को धक्का पड़ा, सो न्यूक्लियस ज्यादा खींच नहीं पाया, कम एनर्जी बाहर निकली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो गई। सो फ्लोरीन की कम नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है जी। अब 2-3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखें, वो भी कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म। सो मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो बड़ा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस कम खींचेगा, कम एनर्जी बाहर निकलेगी, बड़े केस में कम एनर्जी बाहर निकलेगी, छोटे में ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, सिर्फ तीन छोटे हैं जिसमें कम एनर्जी बाहर निकली थी, कौन कौन, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन में कम बाहर निकल रही है, फास्फोरस में ज्यादा, 3s2 3p5 में ज्यादा, और एक्सेप्ट 3p3 में ज्यादा, और ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन 2s2 2p4, वो छोटा है पर फिर भी इसमें कम एनर्जी बाहर निकल रही है, सल्फर 3s2 3p4 इसमें ज्यादा बाहर निकल रही है, या एक्सेप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन, अदरवाइज जो भी छोटा है उसमें ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, लेकिन यहां पे छोटे में कम एनर्जी बाहर निकल रही है, क्योंकि छोटे में, छोटे सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, नया इलेक्ट्रॉन आया उसको धक्का मारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धक्का मार दिया, न्यूक्लियस बेचारा ज्यादा खींच नहीं पाएगा, इसलिए ये तीनों छोटे होने के बावजूद इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है और इनकी ज्यादा नेगेटिव है। और 2-3 न्यूमेरिकल बस, फिर मेरा लेक्चर खत्म है। कहता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ मेनी एनर्जी किलो कैलोरी इज रिलीज व्हेन 8 ग्राम बियर चेंजेस टू बियर नेगेटिव, जब 8 ग्राम बियर नेगेटिव में चेंज होगा तो एनर्जी किलो कैलोरी में कितनी चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में बदलो, आपको मालूम है 3.36 इंटू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, इतना हो गया बेटा, एक मोल के लिए ब्रोमीन के एक मोल का बेटा था 80 ग्राम,
फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्रेंड मीन्स बी आर से बी आर नेगेटिव बनाना है. फॉर 80 ग्राम बी आर टू बी आर नेगेटिव कॉमा एनर्जी रिलीज कितनी बेटा, एनर्जी रिलीज कितनी बेटा 3.36 इंटू 23.06 किलो कैलोरी. ये 80 ग्राम के लिए आंसर है. तो उसने पूछा 8 ग्राम के लिए, फॉर 1 ग्राम इट इज 3.36 इंटू 23.06 डिवाइड बाई 80 एंड फॉर 8 ग्राम इट इज 3.36 इंटू 23.06 ओवर 80 इंटू 8 नीचे आ गया 10. इतने किलो कैलोरी निकाल लोगे. ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी थी, इसको किलो कैलोरी में बदल लिया. ये एक मोल के लिए है, एक मोल ब्रोमीन का वेट 80 होता है, यानी 80 ग्राम के लिए आंसर इतना है, 8 के लिए आंसर निकाल लिया. कोई डाउट? यस शाबाश. अगला क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मिलियन आई चेंजेस टू आई नेगेटिव. फॉर 1 मिलियन इट टेंस पर 6 आई टू आई नेगेटिव. 1 मिलियन टेंस पर 6, फॉर टेंस पर 6 आई टू आई नेगेटिव एनर्जी रिलीज कितनी है? ध्यान से, एनर्जी रिलीज बेटा कितनी है? शाबाश. इट इज 4.9 इंटू टेंस टू माइनस 13 जाऊ. टेंस पर 6 के लिए तो एनर्जी तो हमने मोल में निकालनी थी, टेंस पर 6 के लिए इतनी है. तो एक मोल के लिए कितनी होगी? फॉर 1 के लिए 4.9 इंटू टेंस टू माइनस 13 ओवर टेंस पर 6 जाऊ. एंड फॉर 6.02 इंटू टेंस पर 23 के लिए कितनी होगी? देखो 4.9 इंटू टेंस टू माइनस 13 डिवाइड बाई टेंस पर 6 इंटू 6.02 इंटू टेंस पर 23 जाउल. अब पूछ रहा किलो जाउल में कितनी होगी. अगर जाउल को किलो जाउल में बदलना बेटा 1000 से डिवाइड कर दो. ये आ गया 4.9 इंटू टेंस टू माइनस 13 इंटू 6.02 इंटू टेंस पर 23 डिवाइड बाई टेंस पर 6, साथ में क्या आ गया 1000. इतने किलो जाउल पर मोल. ये किलो जाउल में आंसर आ गया, एक आंसर आ गया. सॉल्व कर लोगे? एक आंसर आ गया किलो जाउल में. अब दूसरा बोलता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलो. ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जाउल में बदलना है 96.49 से मल्टीप्लाई करना है. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जाउल में बदलना है 96.49 से मल्टीप्लाई करना है. अगर किलो जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है 96.49 से डिवाइड कर दो. यानी आ गया 4.9 इंटू टेंस टू माइनस 13 इंटू 6.02 इंटू टेंस पर 23 डिवाइड बाई टेंस पर 6 इंटू 1000, साथ में 96.49. इतने आ गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सॉल्व आपने करना है. ध्यान से, उसने कहा टेंस पर 6 आई से आई नेगेटिव के लिए इतनी एनर्जी बाहर निकली. मैंने बोला इतने के लिए इतनी, तो 1 मोल यानी 6.02 इंटू टेंस पर 23 के लिए कितनी? ये आंसर जाउल में आ गया. उसने पूछा किलो जाउल में. अगर जाउल को किलो जाउल में बदलना 1000 डिवाइड कर दो. ये किलो जाउल में आंसर आ गया. अब बोलता नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जाउल में बदलना है 96.49 से मल्टीप्लाई करो. अगर किलो जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है 96.49 से डिवाइड करो. कर लोगे पुत्र? शाबाश. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड. ध्यान से, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -349 में इतनी बाहर निकली पर मोल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -349 किलो जाउल पर मोल. पर मोल में एक मोल के लिए बेटा, एक मोल क्लोरीन का वेट 35.5 होता है. यानी फॉर 35.5 ग्राम क्लोरीन टू Cl नेगेटिव एनर्जी रिलीज्ड कितनी बेटा? 349 किलो जाउल. 35.5 के लिए इतनी चाहिए. अब क्वेश्चन में पूछ रहा 3.55 के लिए कितनी चाहिए. सो 35.5 के लिए इतनी रिलीज है, एक के लिए 349 ओवर 35.5 और 3.55 के लिए 349 ओवर 35.5 इंटू 3.55 इट इज 34.9 किलो जाउल. दैट्स आंसर. ठीक है जी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतने किलो जाउल पर मोल है. एक मोल यानी 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन का आंसर लिए दिया हुआ है. 3.5 के पूछा है क्योंकि मैंने रिलीज लिख दिया, नेगेटिव निशान की जरूरत नहीं क्योंकि रिलीज बता रहा है कि बाहर निकल रही है. अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. अगर 10 पर 10 Cl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हूं तो इतनी एनर्जी बाहर निकली. वही सेकंड जैसा, फॉर 10 पर 10 Cl टू Cl नेगेटिव एनर्जी रिलीज्ड बेटा बिल्कुल सेकंड जैसा. एनर्जी रिलीज कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? 57.86 इंटू टेंस टू माइनस 10 जाओ. सो 10 पर 10 क्लोरीन के लिए इतनी, हमने एक मोल के लिए निकालनी होती है. फॉर 1 इट इज 57.86 इंटू टेंस टू माइनस 10 ओवर टेंस पर 10
कट ये आ गया। फॉर 6.02 इंटू 10^23 के लिए कितनी होगी 57.86 इंटू 10^-10 ओवर 10^10 इंटू 6.02 इंटू 10^23 ठीक है आ गया। यानी 57.86 ये -23 ये -20 होगा ऊपर जाके ये +23 इंटू 6.02 इंटू 10^3 इतने जाउल इतना आंसर आ गया बेटा जाउल में। उसने जाउल उसने पूछा किलो जाउल में कितना ये आ गया 57.86 इंटू 6.02 इंटू 10^3 ओवर 1000 किलो जाउल कट गया पर मोल। सो 10^10 के लिए इतनी 6.02 इंटू 10^23 के लिए कितनी इतना आंसर आ गया जाउल में उसको किलो जाउल में बदल लिया आंसर आ गया। अब बोलता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो वही सेकंड जैसा। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जाउल में बदलना है 96.49 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किलो जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना 96.49 से डिवाइड कर दो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेक्चर। इसको ध्यान से सुनना कुछ समय ना दोबारा सुनना। मैं फिर बार बार बोलूंगा कि जो छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। सो छोटे की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है सिर्फ 3 एक्सेप्शन है। फ्लोरीन छोटा है फिर भी उसकी कम नेगेटिव है क्लोरीन से। ऑक्सीजन छोटा है फिर भी उसकी कम नेगेटिव है सल्फर से। नाइट्रोजन छोटा है फिर भी उसकी कम नेगेटिव है ऑक्सीजन से। मेरा पॉइंट क्लियर है। इसके साथ ही पुत्र इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच बेटा।